हेलो एवरीबॉडी, क्लास नाइन्थ कोर्स बी का सिलेबस है जो कि रिवाइज होकर आया है। क्लास नाइन्थ का कोर्स बी का सिलेबस है हिंदी का, जो अब रिवाइज होकर सीबीएसई ने भेजा है, जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं। अब नया जो सिलेबस आएगा या नया जो एग्ज़ाम आएगा वो किस तरीके से आएगा और किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होकर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा जो आएगा रीडिंग सेक्शन में, जो होता है अपठित गद्यांश, जिसमें एक अपठित गद्यांश होता है जिसमें दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। दो क्वेश्चन एक एक मार्क्स के आएंगे, यानी कि दो मार्क्स का ये हो गया, और चार क्वेश्चन दो दो मार्क्स के आएंगे, ये हो जाएंगे 8 मार्क्स, यानी कि टोटल 10 मार्क्स का एक ये वाला कंटेंट आने वाला है, 8 और 2 यानी कि पूरे 10 मार्क्स का। अब यहाँ क्वेश्चन कितने बनते हैं बेटा ये भी देखते चलिए। यहाँ पर दो क्वेश्चन ये और चार क्वेश्चन ये, टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, 6 क्वेश्चन विद 10 मार्क्स। उसके बाद व्याकरण पार्ट आता है, व्याकरण पार्ट में 16 क्वेश्चन आने वाले हैं, 16 क्वेश्चन एक एक मार्क्स के, और MCQ ही हैं ये, क्योंकि पहला जो पार्ट होता है आपका पार्ट ए, उसमें ज़्यादातर MCQ ही पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पर शब्द और पद से 2 मार्क्स का आएगा, यानी कि 2 मार्क्स का यहाँ पर अनुस्वार और अनुनासिक, यानी चंद्रबिंदु और बिंदु, यहाँ से 2 मार्क्स का आने वाला है। उपसर्ग जो शब्द से पहले लगते हैं, प्रत्यय जो शब्द के बाद लगते हैं, उससे 4 मार्क्स का आने वाला है। उसके बाद शब्द विचार, जिसमें श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सब मिलाकर आने वाला है 6 मार्क्स का। उसके बाद अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, सार्थक निरर्थक, ये आने वाला है 2 मार्क्स का। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हो गए 10 और 16, 26 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसमें व्याकरण 16 मार्क्स की है और अपठित गद्यांश आपके हो गए 10 मार्क्स के। उसके बाद आते हैं पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1। पाठ्य पुस्तक स्पर्श से क्या आने वाला है, गद्य, गद्य यानी कि जो लेसन पार्ट है उसमें क्या आने वाला है, 2 अंक के 3 प्रश्न आएंगे, यानी कि 6 प्रश्न आएंगे, 6 मार्क्स का आएगा, 2 अंक के 3 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स के। उसके बाद इसी से एक निबंधात्मक शब्द वो जो क्वेश्चन आएगा, जिसमें लॉन्ग आंसर आपको लिखना होता है, ये 5 मार्क्स का होता है। इसमें भी ऑप्शन होता है, 2 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक आपको अटैम्प्ट करना पड़ता है, 5 मार्क्स का ये हो गया। तो यानी टोटल 11 मार्क्स का ये हो गया आपका गद्य वाला पोर्शन। अब आते हैं काव्य पाठ पर, स्पर्श का जो काव्य पाठ है उसमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, नहीं 3 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 मार्क्स के, यानी 6 मार्क्स का हो गया, और एक लॉन्ग आंसर आएगा यानी कि 5 मार्क्स का, ये हो गया 6 और 5 11। 11 का ही आ रहा है स्पर्श, और 11 का ही गद्य और 11 का ही काव्य, ये दोनों हैं स्पर्श से। अब आते हैं संचयन से, संचयन से 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल कितने मार्क्स हो गए, 6 मार्क्स हो गए और क्वेश्चन हुए 2। उसके बाद आते हैं लेखन पर, राइटिंग पर, अभी तक हमने राइटिंग का पोर्शन नहीं किया, राइटिंग में क्या आने वाला है, राइटिंग का देखिए, राइटिंग में संकेत बिंदुओं के आधार पर एक विषय पर अनुच्छेद, एक पैराग्राफ आपको लिखना है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, टॉपिक आपको दिए होंगे, उन 3 टॉपिकों में से आपको एक टॉपिक छांटना होता है, 6 मार्क्स का ये आने वाला है। उसके बाद अनौपचारिक पत्र है, एक अनौपचारिक पत्र है जो 5 मार्क्स का है, जो आपको करना है, इनफॉर्मल लेटर आएगा, 5 मार्क्स का होगा। उसके बाद संदेश लेखन, संदेश लेखन में आप कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, किसी को कोई मैसेज देना है, ग्रीट करना है किसी अवसर पर, या किसी और विषय पर अगर आपको शुभकामनाएँ देनी है, या कोई विशेष अवसर पर कोई विशेष मैसेज, कोई विशेष संदेश आपको देना है, तो 5 मार्क्स का वो हो जाएगा। उसके बाद एक संवाद लेखन आता है, जिसमें आप कन्वर्सेशन लिखते हैं, कैसे 2 इंसान आपस में बात कर रहे हैं, उनका कन्वर्सेशन लिखा जाता है, संवाद लिखा जाता है, वो भी 5 मार्क्स का आएगा। उसके बाद एक नारा लेखन या स्लोगन राइटिंग का होता है, जो आपको विकल्प ऑब्वियसली इसमें भी ऑप्शन होते हैं, और एक आपको लिखना होता है नारा, और वो 5 मार्क्स का आने वाला है। तो इस तरीके से आपका लेखन पोर्शन भी हो गया 26 मार्क्स का, 6 मार्क्स के 6 मार्क्स का अनुच्छेद, एक इन्फॉर्मल लेटर 5 मार्क्स का, एक संदेश 5 नंबर का, उसके बाद संवाद 5 नंबर का, और एक स्लोगन 5 नंबर का, ये हो गया। इसके बाद ये आपके हो गए टोटल 80 मार्क्स, ये है आपका क्लास नाइन्थ का सिलेबस, क्लास नाइन्थ का 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर। उसके बाद जो 20 मार्क्स हैं ये इंटरनल असेसमेंट है, जिसमें 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट होता है, और 10 मार्क्स का आपका श्रवण और वाचन होता है, सुनने और बोलने का, जो हिंदी का प्रोनंसिएशन है प्रॉपर, हिंदी की जो एक्सेंट है उसके हिसाब से हिंदी को बोलने और सुनने की जो पावर है उसको एसेस करते हुए उसकी असेसमेंट ली जाती है। दोनों 20 मार्क्स आपके टीचर आपको देंगी, और ये 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे। आई होप आई हैव मेड वेरी मच क्लियर कि कौन कौन सी चीज़ें आप करने वाले हैं और कौन कौन सी चीज़ें आप नहीं करने वाले हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सब कुछ लिखा हुआ भी मिल जाएगा, तो नीड नॉट वरी मच, और सारे टॉपिक्स को ध्यान से पढ़िएगा कि कौन कौन सी चीज़ें करनी हैं और कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपके सिलेबस से हटाई गई हैं। आपके सिलेबस से जो हटाया गया वो यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर
स्पर्श से ये वाले चैप्टर्स हटाए गए हैं और संचयन से दो ये चैप्टर हटाए गए हैं। स्पर्श से देखिए ये वाला चैप्टर धीरंजन मालवे, वैज्ञानिक चेतना के वाहक सर चंद्रशेखर वेंकटेश्वर रमन, उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर का गीत अगीत, काका काले लकर का कीचड़ का कौवे, स्वामी आनंद का शुक्र तारे का के समान, नजीब अकबराबादी का आदमी नामा, हरिवंश राय बच्चन की अग्निपथ, अरुण कमल का नए इलाके में, ये वाले चैप्टर्स आपके स्पर्श से हटा दिए गए हैं। उसके बाद संचयन से आपका हटाया गया है कुल्लू कुमार की ऊनाकोटी और मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। ये चैप्टर्स वो हैं जो हिंदी कोर्स बी से आपके डिलीट कर दिए गए हैं। ये क्लास 9th का सिलेबस है। होप आई एम एबल टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल डिटेल में लिखा हुआ है कि कौन से चैप्टर हट गए हैं और कौन से चैप्टर अभी भी रहते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।